हम कई बार आयोग के सामने धरना दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, आयोग के बाद लगातार यही आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जल्दी नियुक्ति हो जाएगी, जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए, प्लीज हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, हमारी भी कंडीशन समझिए, हम लोग फाइनेंशियली मेंटली दोनों तरफ। सरकार से क्या मांग है आप? आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हम 4 से 5 बार धरना भी कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग के बाद भी इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है और सब ये जो धरना दे रहे हैं आज सब सिलेक्टेड हैं स्टाफ नर्स के एग्जाम में, लेकिन एक साल होने को आया है अभी भी इनकी ज्वाइनिंग हो नहीं पाई है। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के ये लोग आज यहाँ पर धरना स्थल पर धरना देने आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है और कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी और किस वजह से आज आप धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गौरव कुमार है। हम सब लोग 3014 चयनित अभ्यर्थी हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि हम लोगों को जल्द से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, नियुक्ति दी जाए। एग्जाम कब हुआ था ये? 3 अक्टूबर 2021 को हमारा एग्जाम हुआ था सर। तो क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन बस ये मिल रहा है कि जनवरी में ही हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हो चुका था सभी लोगों का। उसके बाद हम लोगों को ये बोला गया कि जल्दी से जल्दी आपकी नियुक्ति हो जाएगी। हम कई बार आयोग के सामने धरना दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, आयोग के बाद लगातार यही आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जल्दी नियुक्ति हो जाएगी, जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। जब से लेके अब तक 6 महीने से ज्यादा समय हो गया वेरिफिकेशन के बाद में, हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से भी सभी लोग परेशान हैं। ये आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है इन लोगों को, क्या मांग बच्चा ले बच्चों को लेकर के आप आई हैं? क्या मांग है आपकी? क्या नाम है आपका? मेरी यही मांग है कि हम सब, मेरा नाम लवली है, मैं आगरा से आई हुई हूँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यही है कि फाइनेंशियल कंडीशन, एक तो लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, वो अभी तक सेटल नहीं है, मेरी जॉब इसमें सेलेक्शन भी हो गई लेकिन इसमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए, प्लीज हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, हमारी भी कंडीशन समझिए, हम लोग फाइनेंशियली मेंटली दोनों तरफ। सरकार से क्या मांग है आपकी, क्योंकि आपको एक साल होने को आया है अभी तक ज्वाइनिंग हो नहीं पाई है? ज्वाइनिंग के लिए यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, इतनी बार आयोग के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन आश्वासन दे के वापस कर दिया जाता है, प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है, अलीगढ़ से हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक साल होने को आया है ज्वाइनिंग आपकी स्टाफ नर्स की हो नहीं पाई है, आप लोग सिलेक्टेड हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा, अलीगढ़ से। क्या मांग है आप? सर मांग हमारी यही है कि आयोग से कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। 3 अक्टूबर 2021 को हमारा टेस्ट हुआ था, उसके बाद 4 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें हम ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सर, और हमारे जनवरी में सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे सफलतापूर्वक, और उसके बाद आश्वासन दिया था कि 100 दिन में आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो जाएगी सबकी, लेकिन हो नहीं पाया। अभी नहीं हो पाई सर, बार बार हमने कई बार धरना दिया है आयोग के, लोक सेवा आयोग के गेट पर, लेकिन आश्वासन यही दिया जाता है कि ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाएगी, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है, अभी तक फाइल भी नहीं पहुंची है लखनऊ। ये बिल्कुल काफी समस्या हो रही है क्योंकि ज्वाइनिंग को इनके जो लेटर अभी जारी नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका चौधरी है, मैं चयनित अभ्यर्थी। क्या दिक्कत आ रही है और कब से आप एग्जाम हुआ था और आप लोग सिलेक्टेड हैं? क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं? हम लोगों का 3 अक्टूबर 2021 में हम लोगों का एग्जाम हुआ था, हम लोगों का फिर 4 जनवरी 2022 में रिजल्ट आया, और उसके बाद में 31 जनवरी 2022 में हम लोगों का सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लगातार हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हम 4 से 5 बार धरना भी कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा है। यह हम आज नियुक्ति पत्र के बारे में बस सिर्फ जानकारी लेके नहीं जाएंगे, हम एक डेट फिक्स और टाइम फिक्स मांग के ही जाएंगे। बिल्कुल, छात्र जो यहाँ पर हैं अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि हमें आश्वासन ना दिया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। आप ये बताइए, योगी सरकार ने तो कहा है कि आप रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार दिया है ऐसा नहीं है, वैकेंसी योगी सरकार में ही निकली, इससे पहले शायद बहुत टाइम पहले वैकेंसी निकली थी सरकारी की, 2017 के बाद अब निकली है, योगी सरकार में ही निकली है, और सारी प्रोसेस जल्दी हो गई, सिर्फ ज्वाइनिंग ही लेट की जा रही है, सारा काम एग्जाम जल्दी हुआ, रिजल्ट सारी चीजों की डेट क्लियर थी, सिर्फ इस ज्वाइनिंग की डेट क्लियर नहीं दे रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग होगी लोगों। हाँ तो मैं ये बैनर इस बात का सबूत है कि इनकी ज्वाइनिंग अभी हो नहीं पाई है और ये आश्वासन इनको दिया जा रहा है, लेकिन इनकी मांग है कि आश्वासन ना दिया जाए, इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए ताकि अपना ये परिवार ठीक से भरण पोषण कर सके, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग ना मिलने से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के।
पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।